रिवेंज पॉर्न यानी ब्लैकमेलिंग का हथकंडा, जब किसी की अश्लील फोटो कोई और बिना पूछे इंटरनेट पर कहीं डाल दे। इसके शिकार भारतीय एक्टर अली फजल भी बन चुके हैं, जब बिना उनकी मर्जी के उनकी न्यूड तस्वीरें किसी ने ऑनलाइन डाल दी थी। वहीं एक वायरल न्यूड वीडियो में अदाकारा राधिका आप्टे के होने का झूठा दावा किया गया था। क्या ऐसी चीजें मिटाई जा सकती हैं? न्यूड्स सच में आपके हों या किसी और के शरीर पर आपका चेहरा भर लगाया हो, ये सब परेशानी, चिंता और बेइज्जती का सबब बन जाती है। एडल्ट्स की छोड़िए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक की प्राइवेट फोटोग्राफ्स लीक होती हैं, जो उनके स्कूल और फ्रेंड सर्कल में वायरल हो जाती हैं और कई बार सोशल मीडिया पर भी। वैसे तो विश्व के ज़्यादातर देशों में ऐसा करना गैरकानूनी है, फिर भी हर 12 में से एक सोशल मीडिया यूज़र के इसका शिकार बनने का पता चला है। कहते हैं कि इंटरनेट से कभी कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन रिवेंज पॉर्न के खिलाफ आप इतने भी मजबूर नहीं। देखिए कैसे टूल्स हैं जिनसे रिवेंज पॉर्न को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। सबसे पहले तो उस प्लेटफॉर्म से संपर्क कीजिए जहां ऐसी फोटो पोस्ट हुई है, फेसबुक हो या व्हाट्सएप स्टेटस, उनसे अश्लील फोटो या वीडियो की शिकायत की जा सकती है। रिपोर्ट करने से पहले स्क्रीनशॉट्स लेकर रख लें, यह कानूनी मामले में सबूत का काम करेगा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने दो ऐसे टूल्स को फंड किया है जो ऐसा कंटेंट हटाने में यूजर्स की मदद करते हैं। नया टूल है टेक इट डाउन, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों और टीनेजर्स की रिवेंज पॉर्न के मामले में मदद के लिए बनाया गया है। और दूसरा स्टॉप NCII एडल्ट्स के साथ 2021 से काम कर रहा है। यहाँ एक शर्त भी जुड़ी है, जिस भी कंटेंट की शिकायत हो रही है वो आपके डिवाइस में होना चाहिए। ये दोनों टूल्स इस कंटेंट का विश्लेषण कर उससे एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाते हैं, जिसे हैश कहते हैं। फिर प्लेटफॉर्म इसी हैश को अपने पूरे सिस्टम में मैच करवाते हैं और जहां भी वो मिलता है उसे मिटा देते हैं। मेटा इसे इंटीमेट इमेज अब्यूज पॉलिसी कहता है। ऐसे सर्च करने के लिए आपको अपनी फाइलें अपलोड नहीं करनी पड़ती, वो आपके डिवाइस पर ही रहती हैं, और जो हैश बना उसे फिर से समझने लायक फाइल में बदला भी नहीं जा सकता। इससे दोहरा खतरा पैदा नहीं होता कि जो फोटो या वीडियो आप हटवाना चाह रहे हैं उसे फिर खुद ही कहीं शेयर कर दिया हो। अब तो OnlyFans, Pornhub और TikTok जैसे कई प्लेटफॉर्म्स इस टूल को जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी तो ऐसी हजारों वेबसाइट्स हैं जो खास तौर पर रिवेंज पॉर्न परोसती हैं, उनका क्या? जिम्मेदारी उस प्लेटफॉर्म की बनती है जिस पर किसी इंसान की मर्जी के बिना उसकी कोई अश्लील फोटो डाली गई है, लेकिन उसे हटवाने में उस इंसान का बहुत सारा समय और ऊर्जा खपती है। सफलता मिल भी जाए तो हो सकता है कि इतनी देर में और लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया हो और फिर से डाल दें। देखिए रिवेंज पॉर्न गैरकानूनी है, कोई पीड़ित सीधे पुलिस के पास जाकर केस दर्ज करवा सकता है। भारत के राज्यों में पुलिस विभाग के अंदर एक खास साइबर क्राइम यूनिट होती है जो इन मामलों की एक्सपर्ट है, लेकिन ऐसे मामलों की शिकायत करने में अगर आपको शर्मिंदगी और डर लगेगा तो आपको प्रताड़ित करने वाला इंसान खुद को और ताकतवर समझेगा और वो यही नहीं रुकेगा। साइबर विशेषज्ञ मानते हैं कि वेबसाइट्स को शिकायत वाली इस पूरी प्रक्रिया को और आसान बनाने की जरूरत है, और उस शर्त को भी एक रुकावट मानते हैं कि ओरिजिनल फोटो या वीडियो आपके डिवाइस में होना ही चाहिए। एक AI टूल है MI in Porn, जो फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरा पहचानने की तकनीक का इस्तेमाल कर आपके फोटो और वीडियो को पूरे इंटरनेट पर खंगाल सकता है। फिलहाल इस साइट में सुधार का काम चल रहा है, जिसके बाद इसे दुनिया भर के लोगों के लिए मुफ्त बना दिया जाएगा। इससे रिवेंज पॉर्न के मामलों में बड़ा सुधार आ सकता है। और प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के हाथ में ही सब कुछ नहीं होना चाहिए, पुलिस या ऐसी किसी एजेंसी को भी ऐसे मामलों में दखल देने और तेज कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर आप या आपका कोई करीबी रिवेंज पॉर्न के निशाने पर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगला कदम क्या लें। भारत में बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR मौजूद है। महिलाएं सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग NCW जा सकती हैं। वहीं भारत में साइबर अपराधों की शिकायत करने के लिए किसी भी समय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट साइबर सिविल राइट्स भी देख सकते हैं, जहां आप अपने देश में काम करने वाले NGOs का पता पा सकते हैं। कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट करके बताइए।